नमस्कार, राइजर्स में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान सभा पर है। गली मोहल्लों से लेकर चौपालों तक बस राजनीति की ही चर्चा है। एआरआई न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे नवादा जिले के भनेल लोदीपुर पंचायत, जहां पिंटू सिंह मुखिया पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं। पिंटू सिंह की छवि क्षेत्र में एक समाज सेवी की है। वो पहले मंदिर में पूजा पाठ में लीन रहते, लेकिन जब उन्होंने अपनी पंचायत के लोगों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने राजनीति में कदम रखने की ठान ली, ताकि वो भनेल लोदीपुर पंचायत का विकास कर सकें और यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकें। पिंटू सिंह कहते हैं कि लोगों की सेवा भी प्रभु की सेवा ही है। एराइज न्यूज ने उनसे भनेल लोदीपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खास बातचीत की। आज हम नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड भनेल पंचायत के मनका गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे मुखिया उम्मीदवार हैं, मैं उनसे आपको मिलाएंगे, आपसे यहाँ पे सीधे बात करेंगे। किस बार चुनाव में आ रहे हैं और इनका इस बार क्या खास मुद्दा, मैं इनसे बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू सिंह है, गांव मनका, भनेल पंचायत लोदीपुर। इसमें 14 गांव आता है, रामगढ़, सपैया, लोदीपुर, मोहला, गुसाईगुड़ा, बल्लिया, भनेल, ननौरी भी आ जाता है। सर, इस बार जो आप चुनाव में आए हैं, आप इस बार चुनाव लड़ने की जो तैयारी किए हैं, क्या इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद यह है कि हमने जो है 5 साल देखा कार्यकाल, जो है किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। आप उधर से आए, देखे कि गली हमारा किस तरह से ख़राब है, मतलब असुविधा होता है, ना तो शौचालय दिया है किसी को, मतलब किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिली। सर, आप इसके पहले क्या, पहले भी आप राजनीति में रहे हैं या इसका पहले आप क्या करते थे? हम इससे पहले कभी राजनीति में नहीं आए थे। इससे पहले हम मंदिर में 27 साल सेवा किए, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमको जो है इसलिए कुछ करना पड़ेगा, इस समाज को विकास करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, विकास के मुद्दे से मैं मैदान में उतरा हूँ। जी, आप सबसे पहले मतलब मंदिर में काम करते थे, कौन सा, क्या, किस भगवान के आप? हम उद्धेश्वरनाथ मंदिर है गाजियाबाद में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के रावण पिताजी की विश्वेश्वरवाई पूजा करते थे और वहाँ पे हमने सेवा किया है। हमारे गुरु जी हैं नारायण गिरी जी महाराज, उनके आशीर्वाद द्वारा हमको जो है आशीर्वाद दिए हैं कि आप सेवा करिए, जाके आगे समाज को दिखाइए कि हम क्या है। हमने 27 साल किया, तो 5 साल जो है उनको आशीर्वाद लेके मैं समाज में आया हूँ, भले पंचायत सेवा करने के लिए। तो आपने देखे हमारे साथ जुड़े हैं पिंटू जी, और इन्होंने 15 साल 27 साल लगभग मतलब एक मंदिर में सेवा कर रहे थे, और इनको अचानक, आप कब मतलब गांव आए थे तो आपको ऐसा फीलिंग हुआ कि हम ये काम करने से हम लोगों को भलाई होगा? हम सावन में आए थे, लॉकडाउन में हम आए थे, हमारे गुरुजी ने भेजा था कि लॉकडाउन चल रहा है बच्चा, तुम जो है गाँव जाकर 2-4 महीने आराम करो। हम अपना पूरा फैमिली के साथ आए थे अपना मन का गाँव, तो हम इस गली से जब भी आते थे तो हमको मतलब इतना कीचड़ गुजरना पड़ता था हमको, तो इसी तरह से रामगढ़ और जगह जगह हमने जाकर निरीक्षण किया, तो किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा कि मैदान में उतरना पड़ेगा ठोस कार्य करने के लिए, जो बहुत गरीब है, जिनका किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, और जो मुखिया है, सरपंच है, बगैर। सर, आप ये बताइए, आपका चुनाव में आए हैं, आप लोगों तक जा रहे हैं, सभी हर जगह दौड़े कर रहे हैं, क्या वहाँ से आपको आश्वासन क्या मिल रहा है लोगों से, जनता से? हमको जनता हमारे ऊपर पूरा खुश है और जनता हमको पूरा सपोर्ट कर रही है कि पिंटू सिंह को मुखिया बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। सर, आप जब मुखिया प्रतिनिधि बनेंगे, आपका सबसे प्रथम मुद्दा क्या है? मेरा सबसे प्रथम मुद्दा ये है, जो भी कार्य में जो आज से 5 साल पहले जितने भी लोग रहे अपना मुखिया जी, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं किया, कहीं पे भी विकास नहीं किया उन्होंने। सबसे मुद्दा हमारा ये रहेगा, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। भनेल लोदीपुर पंचायत में इतना विकास करें, इतना विकास करें कि लोग देखते ही रह जाए। चलिए, यहाँ पे एक और मेरे साथ में बुजुर्ग जुड़े, मैं उनसे बात करेंगे। दादाजी, आपको पेंशन मिल रही है? नहीं सर, हमको नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, करीब आपके उम्र कितना होगा? उम्र 60 होगी।
60 बता रहे, जबकि सरकार का नियम है कि उम्र होते हुए ही सरकार सभी व्यक्ति को पेंशन मिलना अनिवार्य कर दिए हैं। और देखिए बिल्कुल ये मतलब पैर से विकलांग है, आपको आप पैर से विकलांग है, आपका क्या नाम हुआ? सुरेश पंडित है। देखिए कितने लाचार है अभी तक यहाँ पे, मतलब पेंशन यहाँ, मतलब यहाँ कितने लोग लगभग पेंशन हुआ होगा? और मेरे साथ युवा जुड़े हैं जो कि मैं उनसे भी बात करूंगा। सर आपका राजनीति में स्वागत है, आप अपना नाम बताएंगे? तरुण कुमार। सर आप एक चीज बताइए कि आपके क्षेत्र में जनरल का क्या आप लोग का पानी पीने के लिए मिल रही है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहीं भी मतलब हुआ है, काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ है सर, लेकिन चालू नहीं, नल जल चालू नहीं। आप दिखा सकते हैं हमको कहाँ पे चालू नहीं हो रहा? हाँ, ये तो चालू टूटी कहाँ है? सामने ही जना रहा। टूटी है यहाँ पर कि नहीं? यहाँ पे है कहीं पे टूटी है। बोलो बोलो जी। आप यहाँ पे देखिए, मनका में मैं खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे 5 साल में जो विकास हुई है मुखिया के द्वारा, आप देख सकते हैं किस तरह से। और देखिए यहाँ पे जल नल जो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि हर क्षेत्र में मतलब सबसे अनिवार्य कर दिया है कि यहाँ पे जहाँ पे उनका भी है। अभी तक यहाँ पे कितना दिन से ये बना हुआ है? ये बना हुआ है 3 महीना से, लेकिन ऐसा ही बंद है। पानी इसमें नहीं आ रहा है क्या? कोई पानी नहीं है, देखिए खोल रहे हैं, इसमें कोई पानी नहीं गिरता है। आप देखिए कितना मतलब 3-4 महीना से इसमें कार्य हुआ, अभी तक पानी भी नहीं इसमें आया है। और यहाँ के लोग को कहना है कि सारे राशि जितने भी है सभी राशि को यहाँ से निकाल लिया गया है। आप देखिए किस तरह से मतलब यहाँ के जो नाली भी ऐसा ही है, देख लीजिए पूरा रोड पर पानी भरा है। जितने भी लाल रास्ता है सारा नाली भी इस तरह से, कितने लोगों की यहाँ पे परेशानी हो रही है। पिंटू सिंह के विकास के एजेंडे को भने लोदीपुर पंचायत की जनता कितना समर्थन देती है ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा, लेकिन अपने सामाजिक कार्यों के चलते वो भने लोदीपुर पंचायत में मुखिया पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। एराइज न्यूज के लिए नवादा की भनेल लोदीपुर पंचायत से कुमार सानू की रिपोर्ट।